सो गाइस, काफ़ी बंदे के दिमाग में क्वेश्चन है कि हम बार बार फैक्ट्री में कैसे फाइट करें यार, मतलब हद ही हो जाती है, हम उतरते ही बंदे मार देते हैं हमको। तो सबसे पहले ना आपको फैक्ट्री फाइट करने के लिए ना पहले के कैरेक्टर चाहिए, जो कि अब तक का सबसे बेस्ट है और आलोक भी चलेगा। और इसके बाद ना ये क्या होता है, मिगुअल कैरेक्टर है ना, जो हमें ईपी देता है। इससे क्या होगा कि आप बंदे को मारोगे तो ईपी मिल जाएगा, उसका एक एडवांटेज मिलता है, ठीक है। और इसके बाद ना हम सीरियो कैरेक्टर लेना है, ठीक है गाइस, क्योंकि सामने वाला की एबिलिटी ही काम ना करे। और सबसे बेस्ट एंड बेस्ट तो हमें लेना है फाल्को ही। और आपको ना बाउंड्री टोकन तो ज़रूर ही लेना है, और ये स्कैनर तो लेना ही लेना है भाई साहब, पता चले कि कितने बंदे हैं। ये फाल्को तो लेना ही लेना है, क्योंकि सबसे पहले हमें उतरना पड़ता है, ठीक है, इसका एक एडवांटेज हमें मिल जाता है। सो गाइज, हम आ चुके हैं फैक्ट्री के छत के ऊपर, और आज मैं फुल डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है, कैसे फाइट करें कैसे नहीं। ये पहला पार्ट है, मैं दूसरा भी बहुत जल्द डाल दूंगा। पहले इसमें ना हम देखेंगे कि हम खड़े होके कैसे बंदे को निपटाएं, ठीक है। तो पहले ना हमें एम ना पहले हमारी जो दाढ़ी है उसके बिल्कुल बीच में रखना है, ठीक है, दाढ़ी और गर्दन के बीच में। और इस क्लिप को देखा भाई साहब, ऐसे हेड तुरंत ही मतलब दाढ़ी के सामने है। ये लो, मैं स्लो में दिखा देता हूँ, ये और दाढ़ी के बीच में एम, और ये गया। सो भाई लोग, इसी बात का एक मेरे को बताना है, इस बंदी को भी कैसे मारा देखो, मैं अब ये दूसरा भी ख़त्म कर दिया। तो ये भी ध्यान से देखना आप लोग कैसे मैंने हेड मारा, ठीक है। और इधर हम आ चुके हैं बीमा शक्ति की चिमनी के ऊपर। ये बंदा ना काफ़ी यार फन कर रहा था, मतलब देखना आप लोग। ये पहले हमें पीछे, आपको समझ लो कि आपके पीछे बंदा पड़ गया और आप पीछे भागे, तो पहले क्या करना है, पीछे देखते रहना है किधर बंदा पहुंचा, और बिल्कुल दाढ़ी के नीचे ये गया। मतलब मैंने क्या किया पता है, बिल्कुल दाढ़ी के नीचे एम रख के बंदे को मारा। और फिर आपको चिढ़ाना है तो चिढ़ाओ यार, मैंने तो काफ़ी चिढ़ाया, और वापस से बंदा दो तीन बार आ गया, वो देखो रिवाइव हो रहा है, वापस से आएगा शायद से। तो इससे ना यार मैं कहना चाहता हूँ कि दाढ़ी के बीच में और गर्दन दोनों के बीच में रखना है हमें, और पीछे बंदा पड़ जाए तो पीछे से तुरंत भागना नहीं, ऐसे देखना है और वेट करना है बंदा कब तक आएगा, और तुरंत ही हेडशॉट मार देना है, ठीक है। अभी ना दूसरा वो बंदा रिवाइव होके आएगा, देखो आ गया चिमकांडी। अरे यार, बदला लेने तो तुरंत आ जाते हो यार, हरामी हो बेटा। ओह, हंस रहा है भाई साहब, हमारे पास नहीं है इमोट यार, वरना इसे भी देखा था क्या है हम। और ये ले भाई साहब, कितनी बार मार खाएगा यार काफ़ी बंदे को चिढ़ाया यार मैंने, वापस से वो आ जाएगा देखना। तो गैस इसी तरह ना फाल्को भी एक वो होता है, सबसे पहले उतर के सबसे पहले बंदे को मार देना, ठीक है। और बाउंड्री टोकन तो आपको पता ही लेना ही है। और ये देखना, ये ना वापस से आ गया चिमकांडी, और इधर ना इसको वापस से हेड मारेंगे, रुको। और गाइस, अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो यार, सब्सक्राइब कर दो, इतनी बढ़िया ट्रिक देता हूँ। और ये हेडशॉट भाई साहब, देखा आपने। और गाइस, बैठे बैठे कैसे हेडशॉट मारे वो भी पार्ट जल्दी आ जाएगा, और सब्सक्राइब कर देना प्लीज़, एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर देना, मेरी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और इधर इसके देखना मैंने क्या किया, आपने ज़रूर देखा होगा वरना आप ना वो करके देख लेना स्लो मोशन में। वापस से आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट में ज़रूर बताना, मैं वापस से वीडियो डाल दूँगा, ठीक है। और इधर एक बंदे का देखना, मैं एम किधर रख रहा हूँ वो देखो गाइस, एम किधर है मेरा, बिल्कुल गर्दन के बीच में है, देखना। और ये हेडशॉट। सो भाई लोग, पार्ट टू जल्दी आने वाला है, इस बात पे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर देना, ठीक है गाइस। तब के लिए बाय बाय, मिलते हैं कल।